वेलकम है दोस्तों, एक बार फिर से आपके प्यारे यूट्यूब चैनल टुडे स्टडी स्मार्ट में। और दोस्तों आज हम इस वीडियो में बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनकी इंक्वायरी है कि रेलवे के अंदर सर वैकेंसी जो है कब तक आएगा, हेल्थ एंड वेलनेस फैक्टर का, ठीक है, उसका जो है सिलेबस क्या रहता है और किस प्रकार से जो है हमें एग्जाम प्रिपरेशन करनी चाहिए, कहाँ से जो है हम इसकी तैयारी करें, इसकी क्या ऑनलाइन कोचिंग वगैरह है, क्या कौन सी किताब है मार्केट में जिससे हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो उसी की रिगार्डिंग जो है आज हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट जो है उन्होंने अगर मेरा वीडियो देखा होगा आरआरबी पैरामेडिकल वैकेंसीज का, अभी कल डाला हूँ मैं, ठीक है, उसमें मैं आपको दिखा दिया हूँ कि पैरामेडिकल का कितना क्या वैकेंसी जाने वाला है टोटल, ठीक है, उसमें से जो है हेल्थ एंड वेलनेस फैक्टर का कितना क्या वैकेंसी जाने वाला है। तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, टोटल जो है 1300 के आसपास वैकेंसी जो है पैरामेडिकल का है टोटल, जिसमें आपके लेबर असिस्टेंट का है, ठीक है, नर्सिंग का है, आपके फार्मासिस्ट का है, डायलिसिस टेक्नीशियन का है, ईसीजी टेक्नीशियन का है, और टीबी हेल्थ विजिटर का है, और लेडी हेल्थ विजिटर का है, और भी अदर पैरामेडिकल वैकेंसी है, और हेल्थ इंस्पेक्टर का है, ठीक है। तो जिसमें मोस्ट पॉपुलर जो वैकेंसी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आपसे हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर का, वो है आपके कितना 131 या 132 वैकेंसी है, ठीक है। अब लास्ट जो वैकेंसी 2019 का उसमें कितना था, 279 वैकेंसी है, कितना 279, मतलब उसका 279 का आधा भी नहीं है, ठीक है, ठीक है, आधा भी नहीं है, मतलब 279 था, 10-12 पोस्ट जो है कम है आधे के हिसाब से, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कितना क्या कंपटीशन रहने वाला है। रेलवे की स्ट्रेटजी समझिए आप, आपका जो वैकेंसी आएगा वो आएगा जोन वाइज, जब 131 पोस्ट को जो है जोन वाइज डिवाइड किया जाएगा, जहाँ पे जिस जोन में जितनी सीट है उस हिसाब से दी जाएगी, ठीक है। तो बहुत सारे जोन्स ऐसे रहेंगे जिसमें कैटेगरी वैकेंसी भी आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। और आपने देखा ही होगा कि जो हिंदी भाषी एरिया है, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, ठीक है, बिहार हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया, इनमें जो है ऑलरेडी जो है ना हाई लेवल का कंपटीशन रहता है, कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा हाई जाती है। तो जो एग्जाम प्रिपरेशन करने का जो तरीका है वो आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट वैकेंसी जैसे कि मैं आपसे बताया कि 2019 में आया था, अभी चल रहा है 24, कितना टाइम होगा, 20, 21, 22, 23, 24, मतलब 4 साल के ऊपर हो गया, ठीक है। तो 4 साल में कितने बंदे जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स किए होंगे, तो कंपटीशन तो बढ़ा ही है, तो पढ़ने का जो प्लानिंग है वो भी चेंज करना पड़ेगा, ताकि जो है आप इजीली जो है एग्जाम निकाल सकें। तो ये तो हो गई बात कब वैकेंसी है, ठीक है, कितना कंपटीशन है उसके बारे में। अब बात करते हैं इसका एग्जाम पैटर्न। लास्ट जो एग्जाम पैटर्न था 70 क्वेश्चन जो है वो थे आपके ट्रेड से, किससे, सैनिटरी इंस्पेक्टर जो कोर्स आपने किया है ना उससे रिलेटेड 70 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन जो है मैथ रीजनिंग एंड जीके के थे, 100 नंबर का पेपर था, 100 क्वेश्चन थे, ओके। अब इस बार जो है क्या रहने वाला है क्या नहीं रहने वाला है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। 99% तो जो है आपका सिलेबस जो है लगभग वही रहने वाला है, 1% कुछ ऊपर नीचे चेंजेस हो सकता है, लेकिन आप पकड़ के चलिए कि जो ट्रेड है वो तो आपका मैक्सिमम उतना रहेगा ही रहेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत कम हो गया 10% के आसपास, 70 आया था लास्ट टाइम, हो सकता है इस बार 60 कर दें, क्योंकि देखो ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है कि टाइमिंग के हिसाब से जो है पैटर्न चेंज नहीं होगा, सिलेबस चेंज नहीं होगा, टाइम के हिसाब से चीज़ें बदलती है, ठीक है। टाइम के हिसाब से जो है जैसे कि लास्ट टाइम जो है ले लीजिए कि राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन थे, गहलोत साहब, जैसे ही सरकार बदली कौन बन गए, भजन लाल जी। तो लास्ट टाइम पे जो है वैकेंसी आया था उस टाइम पे कौन जो है रेल मंत्री था, इस बार कौन रेल मंत्री है, क्या दिमाग लगाए क्या नहीं लगाए, किसी को कुछ नहीं बताया, ठीक है। लेकिन इतना सा जो है अपन पुराने पैटर्न को फॉलो करते हुए उसके हिसाब से तैयारी अभी से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप तो लगभग जो है सिलेबस को जो ट्रेड का जो है उस पर ज़्यादा फोकस करिएगा, बाकी जो है इतना तो टाइम आपको मिल जाता है एग्जाम देने में कि आपका जो 60 के बाद में जो आपका पत्ता है 40 या 30, अगर 70 क्वेश्चन आता है 30%, तो 30% को जो है आप जो एग्जाम टाइमिंग जो ड्यूरेशन होती है डेट होती है उसमें उतना सा सिलेबस कवर कर सकते हैं जो भी ऊपर नीचे होगा उसको। तो आप ट्रेड को अभी से पढ़ना स्टार्ट करिएगा, टॉपिक वाइज पढ़ना स्टार्ट करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा टॉपिक वाइज एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करिएगा,
प्रीवियस पेपर की प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, और उसके अलावा जो प्रैक्टिस सेट है उनकी प्रैक्टिस करिएगा। अब ये सब जो है आपको मिलेंगे कहाँ, आप जो यहाँ स्क्रीन पे जो ये बुक देख रहे हैं, ठीक है, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर का, हेल्थ इंस्पेक्टर का, सैनिटरी इंस्पेक्टर, मलेरिया इंस्पेक्टर का, सक्सेस की पब्लिकेशन का, इसको जो है आप अमेजन से ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डाल दूंगा, जिसको अगर अमेजन पे सर्च करने पे शो नहीं हो रही है तो वह यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जैसे ही लिंक करेंगे, उसको क्लिक करेंगे तो आपको सीधा अमेजन पर लेकर के जाएगा और आप वहाँ से ये ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें जो है खास बात यह है कि इसमें चैप्टर वाइज जो है MCQ दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे ही इसमें आपका ट्रेड का 5 किताबें चलती है, आपने अगर कॉलेज से जो ये कोर्स किया है उसमें 5 किताबें चलती है, पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर, फाइव, ठीक है। तो 5 किताबों का इसमें समावेश किया गया है टॉपिक वाइज, और MCQs का जो है जितने ज़्यादा MCQs बन सकते थे वो सारे MCQs इसमें दिए गए हैं। अब बात करते हैं अभी तक जितनी भी वैकेंसीज आई है आपके सैनिटरी इंस्पेक्टर की, हेल्थ इंस्पेक्टर की, मलेरिया इंस्पेक्टर की, उन सभी वैकेंसीज के जो पेपर है इस बुक में इंक्लूड किए गए हैं। ज़्यादातर आप बुक्स देखेंगे अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे या अदर वेबसाइट वगैरह पे या अदर पब्लिकेशन का, ठीक है, तो उनमें क्या है एक या दो पेपर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस बुक की खासियत यही है कि इसमें जितने भी एग्जाम लगे वह सारे क्वेश्चन एंड आंसर इनके दिए गए हैं। PLS पेपर जो है इस बुक में जो है इंक्लूड किए गए हैं। आप ऐसा तो नहीं है कि रेलवे की ही तैयारी करेंगे, अगर DSS भी आपने फॉर्म भरा उसकी भी तैयारी करेंगे, ठीक है। हरियाणा में कोई वैकेंसी आई हुई नगर निगम की, आप उसकी भी तैयारी करेंगे। उसके अलावा राजस्थान में वैकेंसी आई आप उसकी भी तैयारी करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि रेलवे के लिए, ओवरऑल इंडिया में कहीं पर भी सैनिटरी इंस्पेक्टर का वैकेंसी आती है जिसमें सिलेबस में ट्रेड से रिलेटेड सिलेबस में डाला जाता है, तो आप सभी की तैयारी इसी बुक से कर सकते हैं। और सभी स्टेट के जब इसमें पेपर दिए हुए हैं तो आपको एक आइडिया भी लग जाता है कि लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम लगा था क्या सिलेबस था, पेपर का लेवल कैसा था, उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन और बेटर जो है कर सकते हो दोस्तों। तो ये तो बात हो गई आपके वैकेंसीज की, सिलेबस की एंड एग्जाम प्रिपरेशन करने की। अब बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर वैकेंसी बहुत कम है, कैसे क्या करेंगे, इसकी आवाज़ उठाइए। देखो इतना टाइम नहीं है दोस्तों, और आपने देखा होगा कि DGHS में भी जैसे कि किस प्रकार से क्या एग्ज़ाम हुआ आपके, ठीक है, गूगल में पेपर था वही डाल दिया, तो इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट आप लोग हो नहीं, ठीक है। और एक नॉर्मल सा जो है आप रेल मिनिस्टर को जो है मेल वगैरह कर सकते हो, कैंपेन चला सकते हो, भेज सकते हो, लेकिन मुझे लगता नहीं कुछ होगा। अगर वैकेंसी जिनको नीड है वो और सीट खाली होती है वैकेंसी जाने तक, तो ये ऑटोमेटिक इंक्रीज कर देंगे। लेकिन इन चीज़ों में टाइम वेस्ट ना करते हुए आप सिर्फ जो है प्रिपरेशन, ओनली प्रिपरेशन पर ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि उन बच्चों से पूछिए जो इस बार वैकेंसी में जो है फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं ओवरेज की वजह से। तो आपका एक एक दिन बहुत कीमती है, जब तक एग्ज़ाम नहीं लगता तब तक आपको तन, मन और धन सब मिला करके एकाग्रता के साथ जो है तैयारी करना है, तब जाकर के एग्ज़ाम निकाल पाएंगे। क्योंकि वैकेंसी जो है लास्ट वैकेंसी से आधी रह गई है, बाकी वैकेंसी रहेगी तो वो तो इससे भी कम रह गई है दोस्तों। तो सिलेक्शन लेने वाला एक सीट पर भी ले लेता है, और सिलेक्शन नहीं लेने वाला 100 क्या 200 क्या 500 सीट निकाल दे तब भी नहीं ले पाता है। डिपेंड करता है आप किस प्रकार से तैयारी करते हो, आपकी जो जॉब है, जिस जो अपना आपका सपना है उसको आप कितना टाइम देते हो हासिल करने के लिए। तो सारी चीज़ें साइड में रख दीजिए, ठीक है। मामा के जाना है, बुआ के जाना है, शादी में जाना है, रसोई में जाना है, उन सब चीज़ों को आप 6 महीने साइड में रख दीजिए। 6 मंथ, ओनली 6 मंथ सपना आपकी जेब में रहेगा 6 मंथ बाद। मन लगा करके तैयारी करिए, वैकेंसीज कितनी है वो मत सोचिए, हर किसी को एक सीट चाहिए, 131 बंदे तो लगने ही लगने हैं ना। अब 131 में कौन सिलेक्शन लेगा, जो तन, मन, धन और एकाग्रता के साथ जो है तैयारी करेगा वो सिलेक्शन लेगा। बाकी जो है ये सोचेगा यार बहुत कम वैकेंसी, क्या ही तैयारी करूँ, इसमें तो मेरा सिलेक्शन नहीं होता, तो उसका तो वैसे भी नहीं होना है, उसका तो वैसे भी नहीं होना है दोस्तों। 2019 में जब वैकेंसी आया था उसका मैं आपको बताना चाहूँगा, पढ़ने का मैटर भी नहीं था, हमारा बुक आया था उस टाइम पे, उस बुक को तो हमने जो है ना अभी थर्ड एडिशन कर दिया है, मतलब वो बुक जो है 3 बार रिवाइज हो चुकी है, और थर्ड एडिशन में जो है हमें बहुत सारी चीज़ें जो है इंक्लूड की है, उसमें थ्योरी को और बेटर किया है, चैप्टर वाइज MCQs और इंक्लूड किए हैं, प्रीवियस पेपर और इंक्लूड किए हैं, बीच में जो एग्जाम वगैरह लग गए हैं उस दृष्टि से उसको और मॉडिफाई किया है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना 19 में पढ़ने का मैटर नहीं था, इस वजह से बहुत सारे बच्चे जो है सिलेक्शन नहीं ले पाए, क्योंकि पता ही नहीं था क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या है। अब तो आपके पास पढ़ने का मैटर भी है,
अच्छे से पढ़िए, तन मन धन लगा करके पढ़िए, एकाग्रता के साथ आपका जो लक्ष्य है उस पर फोकस करिए, ताकि आप एग्जाम निकाल पाएँ और आपके मॉम डैड को भी आपके ऊपर जो है गर्व हो, आप भी जो है एक जो सपना सजाए हैं उसको पूरा करने में जो है पूरा टाइम दे दीजिए। क्योंकि इसके बाद जो है रेलवे कब वैकेंसी आएगा, क्या है क्या नहीं है, और उस टाइम पे आप फॉर्म भर भी पाएंगे नहीं भर पाएंगे, किसी को कुछ नहीं पता है। तो वैकेंसी कम है ज़्यादा है ये चीज़ भूल जाइए, जो जितनी है उसी में आपको एक सीट निकालनी है। सभी ये सोच करके चलिए कि एक सीट तो मुझे लेनी ही लेनी है, ज़्यादा सीट आ जाती है ना तब भी एक ही सीट पर आप जॉब करोगे, सब पे नहीं करोगे। तो प्रिपरेशन उस हिसाब से करिए कि आप एक सीट तो आपकी पक्की कर ही लो। तो पढ़ने का जो है मैटर मैं आपको बता दिया हूँ, ये बुक है, इसको आप अमेज़न से ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे नहीं जाएगा, तब तक के लिए नमस्कार।